مرشده تو را بیل دیدو دیدو مرشده کامل سے نسبت ہو گئی اور دل دگی کی قدر و قیمت ہو گئی رخ اس طرح جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی یا میرے بالے شاپیر یا میرے بالے شاہ کوئی کاؤں میں مگن کوئی کاؤں میں مگن کوئی اس لیے مطلب ہے کہ دل سے میرے دنیا کی حسرتیں نکل گئی اور نام لیا بالے پیر کا مشکلیں سب ڈل گئی چلے لائن سے کھڑے رہو لائن سے کھڑے رہو ارے ہمارے بیچ ہمارے خاص مہمان شریمان نریندر مہتا جی کا آگمن ہو چکا ہے سبھی سے گزارش ہے کہ تہ دل سے ان کا سواگت کیجیے تالی کے گونج سے ان کا سواگت کیجیے آپ سبھی سے ان کا بھی ہم تہ دل سے سواگت کرتے ہیں نہیں آیا آج ہمارے بیچ میرا بھائندر کی حسین شخصیت اور مہان شخصیت آپ سب ان کے نام سے واقف ہے شری نریندر لال مہتا صاحب جو کہ اپنے علاقے کے آمدار ہیں آج آپ جو یہ
हजरत सैयद पालेशाह पीर सरकार के रोजे मुबारक के उर्स में आए हुए तमाम जायरीनों का हम खोजा सुन्नत जमात व गौसिया नियाज कमेटी व बालेशाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट उत्तन करे सुन्नत जमात की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। आज की जो आज का ये चौथा दिन है, ये चौथे दिन की जो महफिल हर साल सालों साल इसी तरह चलती है और चलती आई है और वही परंपरा चलाने में हमारे एमएलए साहब ने जिसको मराठी में बोलते हैं सिंहाचा वाटा और हिंदी में बोला जाएगा शेर का हिस्सा, यहाँ के प्रोग्राम के लिए आमदार नरेंद्र मेहता साहब का शेर का हिस्सा और हमारे प्यारे हमारे मित्र मुन्ना भाई जो हमारी नई बालेशाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट बनी है उसके लीगल एडवाइज़र भी है और उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है, ऐसे हमारे मुन्ना भाई जो कि दूसरे समाज से बिलोंग रखते हैं मगर अपने समाज में भी उनकी इतनी इज्जत है कि शायद उनके समाज में भी उनको इतना इज्जत नहीं करते होंगे उतनी इज्जत हम हमारे समाज में करते हैं मुन्ना भाई की। उसी तरह हमें आज तक कोई भाईजान नहीं मिला था तो हमारे आमदार साहब नरेंद्र मेहता साहब हमारे बड़े भाई की तरह मिले हैं और हमें उन्हें भाईजान बोलने में फख्र महसूस होता है। हमारे जमात के सेक्रेटरी साहब रज्जाक शेख शहीद भाई अबरार हाफी जी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी आसन ग्रस्त होइए, ये हमारे समाज के त्रिमूर्ति है सर, आपके बाजू में देखे राइट हैंड पे ये हमारे समाज के त्रिमूर्ति है। मीरा दातार के हजरत जहांगीर अली भी स्टेज पे पधार चुके हैं। साजिद पटेल साहब भी हमारे महफिल में आ चुके हैं। आसिफ पटेल साहब माजी नगर सेवक भी हमारे महफिल में आ चुके हैं और बालेशाह पीर के इमाम साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आसिफ शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जब तक आगे की महफिल का बोध करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मगफिरतु सैयद बाले पीर शाह बाबा की अलाना उर्स मुबारक के अवसर पर यहाँ पर मौजूद इस मीरा भाईंदर शहर के कार्य सम्राट आमदार हमारे मित्र आदरणीय नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर हमारे साथ आए हुए नगर सेवक मुन्ना सिंह जी साजिद पटेल जी उत्तर खोजा जमात और बाले पीर शाह बाबा के कमेटी के सभी यहाँ पर ट्रस्टीगण खासकर अमजद भाई अरशद भाई अशफाक भाई और उनके सभी युवा साथी और यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि इस बाले पीर शाह बाबा के दरगाह को बनाने के लिए मरम्मत के काम के लिए और दूसरी सैयद अली दातार साहब की मज़ार बनाने के लिए और मीरा भाईंदर में जहाँ जहाँ भी हमारे दीन के काम हो रहे हैं उस काम को हमको मजबूती से बनाने के लिए पूरी तरह तन मन धन से मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको नरेंद्र भाईजान के रूप में एक अच्छा आमदार भेजा है कि जो सभी जात पात धर्म संप्रदाय को साथ में लेके चलते हुए इस मीरा भाईंदर का चौतरफे विकास कर रहे हैं। आप देखो कि 20 साल पहले जो भाईंदर की हमारी परिस्थिति थी वो परिस्थिति को उन्होंने पूरा काया पलट कर दिया है, पूरा बदल के रखा है। जमीन आसमान का आज अंतर मीरा भाईंदर में हुआ है। पिछले जब से वो महापौर बनने से लेकर आमदार का चुनाव लड़ा उसमें कुछ वोटों से वो हार गए लेकिन बाद में जब आमदार बने तो पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से पूरी लगन से सभी धर्म के लिए वो हमेशा काम करते हैं, विकास के काम करते हैं। अभी आप सब
देख रहे हैं कि पूरे मीरा भाईंदर में जहाँ जहाँ भी उनको लोग बुलाते हैं, वो रास्ते की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हमारे दिन की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हमेशा तत्काल फैसला करते हैं कि ऐसे नहीं आज आओ कल आओ परसों आओ हम देखेंगे चप्पल घिसते रहो, ऐसा उनका काम ही नहीं है। जिसने उनको काम बोल दिया तत्काल उस काम को अंजाम देते हैं और काम पूरा करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखो कितने पहले बरसों से यहाँ पर जो है हम आते थे बचपन में, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अपना बालेश्वर पीर शाह बाबा का जो दरगाह था वहाँ से लेकर आज यहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, मरम्मत का काम नहीं हुआ था, लेकिन रामदास साहब ने, नरेंद्र मेहता जी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी और तन मन धन से आज हम देख रहे हैं इतना मेहनत करके उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा सा, अच्छा मुझे ये मजा दे के माहिम का दरगाह याद आ रहा है, वहाँ पर अपने हाजी अली का दरगाह याद आ रहा है, कितना बेहतरीन से बेहतरीन काम जो है आमदार के माध्यम से हमारे समाज को मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में, इन्होंने तो अपना काम करके दिखाया है, लेकिन आने वाले समय में हमको इनको पूरा साथ देना है, कंधे से कंधे लगाकर इनको कामयाब बनाना है। ये कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हमारे आवाम के और भी काम जो है, कब्रिस्तान के मसले है, मदरसों के मसले है, जो जो भी मसले हैं वो पूरे मसले इंशाल्लाह हल हो गए। नहीं तो अभी आने वाले समय और भी अपने समाज में से कोई सामने खड़ा हो जाएगा कि बोले भाई अपना आपका जात भाई हूँ, अपना ही भाईजान हूँ, नरेंद्र भाईजान कहाँ मदद कर गए, मैं ओरिजिनल हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है। उनको बताना है आपने इतने साल 12 साल आपके पास एमएलसी थी, आपने क्या किया, उनको उनका हिसाब किताब हमको उनसे लेना होगा, और हमको नरेंद्र मेहता जी को और भमरीपुर जितनी टीम है उनको साथ देना पड़ेगा। उनको साथ देंगे, उनको कामयाब करेंगे तो आने वाले समय में अपने पूरे जो दिन के काम है अच्छी तरह से होंगे, कोई भी इसमें किसी भी तरह कोई अड़चन नहीं आएंगी। अभी आप देख रहे हैं 26 जनवरी के दिन ही हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके इसकी हमने नींव डाली थी, यहाँ पर इसका ओपनिंग किया था। जब भी देखो जब से 4 महीने माशाल्लाह ये पूरे जो काम है सब अरशद भाई, अमजद भाई, उनके पूरे साथी लोगों ने, युवा टीम ने जो किया है नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से, बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा दरगाह बना है। मैं दुआ करूंगा और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि नरेंद्र मेहता जी के लिए हमको ऐसा ही आमदार आने वाले 20 साल तो यही आमदार चाहिए, और आमदार नहीं चाहिए आने वाले समय में, इनको इतना मजबूत करो कि मुख्यमंत्री हमने देवेंद्र फडणवीस साहब को भी लगेगा नहीं हमको पूरे महाराष्ट्र में ऐसा डैशिंग आमदार मिला है, को आने वाले समय में इनको मंत्री बनाए। तो हम सभी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सभी, हम सभी को दुआ में याद रखिए और हजरत बाले पीर शाह बाबा के उर्स वर पर आप सभी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज। अभी हमारे दरगाह के इमाम साहब दो शब्द कहेंगे। मौजूद सामीन इकराम, सभी भाइयों बहनों, नौजवान बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उर्से बालेशाह पीर में आने वाले सभी जायरीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और आज हम सरकार बालेशाह पीर का उर्स बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये सरकार बालेशाह पीर का कर्म है और साथ ही साथ हमारे नरेंद्र मेहता, इन्होंने सरकार बादशाह पीर के दरबार में बहुत से काम किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप हम जहां पर बैठे हैं, 1-2 साल पहले यहां पर कीचड़ था, बारिश होती थी तो कोई बैठ नहीं सकता था, इन्होंने इतना काम कर दिया कि आज हर वक्त 12 महीने हम आराम से बैठ सकते हैं। और भी दरगाह शरीफ के लिए काम के लिए इन्होंने बहुत से सपोर्टें किए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सरकार बालेशाह पीर के वर्किंग कमेटी की तरफ से भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और सरकार बालेशाह पीर के वर्किंग कमेटी ने दिन रात मेहनत करके सरकार बालेशाह पीर के गुंबद के तामीरी काम के लिए दिन रात एक करके इतना काम को अंजाम दिया है। और मैं उत्तर के ख्वाजा सुन्नत जमात का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी सरकार बालेशाह पीर के तामीरी काम में दिन रात एक करके यहाँ पर साथ दिया है। गौसिया न्याज कमेटी ने भी साथ दी है, मीरा भाईंदर उत्तन जितने भी लोग हैं और चौक के सभी लोगों ने मिलजुल करके सरकार बालेशाह पीर के तामीरी काम में हिस्सा लिया है। और हमारे जो वर्किंग कमेटी है ये सिर्फ नाम के वर्किंग कमेटी नहीं है, ये काम के वर्किंग कमेटी है। यानी काम क्या होता है, काम बताने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो
खुद अपने हाथों से काम करते हैं, जिनको मिट्टी से एलर्जी है वो खुद मिट्टी से लथपथ होकर के सरकार के काम करते हैं, जिनको चावल खाने से एलर्जी है वो सरकार बारिश आफिन के दरबार में काम भी करते हैं और चावल भी खाते हैं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग यही वर्किंग कमेटी है जो दिन रात एक करके, रात को रात नहीं समझते हैं, दिन को दिन नहीं समझ करके इन लोगों ने दरगाह सरकार बारिश आफिन के दरगाह के काम के लिए ठान लिया है कि हमें सरकार बारिश आफिन के गुंबद को बनाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वर्किंग कमेटी का कि इन्होंने सरकार बारिश आफिन को इनके काम को यहाँ तक बनाया है और सभी जितने लोग आए हैं उनका साथ दिए हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सभी हजरात सरकार बारिश आफिन के चैरिटेबल ट्रस्ट का साथ दें और हमारे अमजद भाई और दिगर जितने भी लोग हैं इन लोगों ने जितने भी मेहनतें किए मैं सरकार बारिश आफिन के दरबार में अर्ज़ करूंगा कि सरकार जितने भी लोगों ने आपके दरबार में मेहनतें की हैं सबकी मेहनतों को आप कबूल फरमाएं और उसका बदला दुनिया और आखिरत में भी फरमाएं। और श्री नरेंद्र मेहता और मुन्ना सिंह ने भी बहुत उन्होंने भी ताउन किया है और बहुत मदद की है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। असद भाई हैं, शालू भाई हैं, अशफाक भाई हैं, जावेद भाई हैं और हमारे सब बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम तो याद है, किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दूं, जिस जिसको मैंने देखा सबके सब सरकार बारिश आफिन का गुलाम नजर आया। किस किस का नाम लो किस किस को छोड़ दूं, जिस जिसको मैंने देखा सबके सब सारे सरकार बारिश आफिन का गुलाम नजर आया। बस मैं जो कुछ सुनने सुनाने में गलत है अस्तगफिरुल्लाह, शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकअल्लाह। हमदार साहब, हम आपसे थोड़ा और 10-15 मिनट और ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्यों? आप जब आके यहाँ का बिस्मिल्लाह कर कर गए थे 26 जनवरी को, उसके बाद से हम लोग बहुत से लोग हमारे गांव के कमेटी के मीरा भाईंदर के जिन्होंने दिन रात मेहनत की, ऐसे कुछ लोग हम लोग उनके चुन के निकाले हैं, उनमें अभी हम नाम लेंगे, उनको आने में ज़रा 2-4 मिनट लगेगा, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। ज़रा मुझे उन सबका नाम बोलो, फटाफट उनको स्टेज पर बुलाओ। कौसिया न्यास कमेटी, इनके जो सदर हैं वाहिद खान, मौजम शेख, इब्राहिम खान, यासिन मुजावर, उबेश शेख, इमरान खान, शाही शेख, साजिद शेख उर्फ बॉबी, अफजल शेख, इन तमाम से गुजारिश है कि आप स्टेज के पास आ जाइए। शारिक शेख, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज के पास आ जाइए। और हमारे उत्तन खोजा सुन्नत जमात की कमेटी, उनके सदर रज्जाक शेख, अबरार हाफिज जी, मुख्तार शेख, साहिद शेख, सोले भाई, सईद शाह, इन सब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज के पास आ जाइए। और हमारे दरगाह की चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं, अमजद शेख, असद शेख, कादर कुरैशी, अशफाक मुल्ला जी, शाहिद, शालू शेख, जावेद खान, अब्दुल शेख, हनीफ खान, इन सब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज के पास आ जाइए। हमारे गांव की जमात खोजा सुन्नत जमात, इनके सदर से गुजारिश है कि आप श्रीमान नरेंद्र मेहता जी हमारे जमात खोजा सुन्नत जमात के चारों सदर गुजारिश है कि श्रीमान नरेंद्र मेहता जी का हम स्वागत करेंगे। अबरार हाफिज जी, रजाक चाचा, सोले भाई, सईद शाह, मुख्तार चाचा, इन सब की ओर से नरेंद्र मेहता जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि तालियों की आवाज़ से इनका स्वागत कीजिए। जमात की ओर से हमारे नगर सेवक
प्यारे नगर सेवक मुन्ना सिंह जी का भी खोजा सुन्ना जमात के तरफ से इस्तकबाल किया जाता है। अभी हमारी घोसिया न्यास कमेटी की ओर से हमारे बीच साजिद पटेल, इनका स्वागत हमारे नगर सेवक प्यारे नगर सेवक अमजद शेख करेंगे। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माजी नगर सेवक श्रीमान आसिफ शेख, इनका स्वागत गौसिया न्यास कमेटी के वाहिद खान, इब्राहिम खान, यासिन मुजावर, उबे शेख, इमरान खान, शाही शेख, साजिद शेख, बॉबी अफजल भाई, मोजम शेख। आसिफ जी का भी चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार है और गौसिया न्यास कमेटी की तरफ से भी शुक्रगुजार है। गौसिया न्यास कमेटी के सभी मेंबर हमारे प्यारे नगर सेवक मुन्ना सिंह जी का हार दे के स्वागत करेंगे। वाहिद खान, मोजम शेख, इब्राहिम खान, यासिन मुजावर, उबेश शेख, इमरान खान, शाहिद शेख, साजिद शेख, अफजल शेख, शारिक शेख, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज के पास जाइए। चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी से गुजारिश है कि आप देश के पास आ जाइए। हमारे अमजद शेख, असद अली शेख, कादर कुरेशी, अशफाक मुल्ला जी, चालू भाई, जावेद खान, अब्दुल शेख डोंगरी वाले, हनीफ खान, आप सभी से गुजारिश है कि आप देश के पास आ जाइए। हेलो, हमारे बीच नासिर सेठ अरनाला वाले जहाँ कहीं भी हो वो बराए मेहरबानी स्टेज पे आने की कोशिश करें। नासिर से डरनाले वाले जहाँ कहीं भी हो तुरंत स्टेज पे आने की कोशिश करें। हमारे बीच कार्य सम्राट हमारे प्यारे आमदार श्रीमान नरेंद्र मेहता जी का स्वागत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। बालेशाही चैरिटेबल ट्रस्ट अमजद शेख, असद अली शेख, कादर कुरेशी, अशफाक मुल्ला, शालू शेख, जावेद खान, अब्दुल शेख, हनीफ खान, इन सब की ओर से श्रीमान नरेंद्र मेहता जी का स्वागत किया गया है। हम सभी तीनों कमेटी की ओर से हमारे आमदार जी का और आने वाले आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बालेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्रीमान मुन्ना सिंह जी, मीरा माइंदर के नगर सेवक, इनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आए हुए सभी मेहमानों का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य टाइम देके यहाँ पे आइए। स्वागत
जागीर अली, मीरा अली दातार के खादिम, इनका स्वागत हमारे खोजा सुन्नत जमात के अबरार हाफिज जी करेंगे। आपका भी हजरत तहे दिल से स्वागत करते हैं तीनों कमेटी, खोजा सुन्नत जमात, गौसिया न्यास कमेटी, गुलशन मीरा दातार, बालेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तीनों कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बालेश्वर पीर दरगाह के इमाम साहब शाह आलम, इनका स्वागत मुख्तार शेख करेंगे जो खुजा सुन्नत जमात के सदर है। आपसे गुजारिश है कि आप सभी से गुजारिश है कि स्टेज के आगे से खड़े जो मेंबर है थोड़ा साइड में हो जाइए, जो वीडियो शूटिंग है उसमें कुछ आ नहीं रहा है। असलम भाई हार वाले, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज के पास आ जाइए, आप जहां भी हैं आप स्टेज के पास आ जाइए। शहीद भाई इश्तियाक हाफिज जी का गुलपोशी करेंगे। शहीद हाफिज जी का गुलपोशी बालेश्वर पीर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। मुख्तार चाचा का स्वागत बालेश्वर पीर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रज्जाक भाई करेंगे। स्वाले भाई का स्वागत शहीद भाई करेंगे। मसूद भाई का स्वागत इब्राहिम भाई करेंगे। निजामुद्दीन भाई का स्वागत साजिद शेख बॉबी भाई करेंगे। साजिद पटेल साहब का स्वागत शालू भाई करेंगे। हम गुजारिश करते हैं कि अबरार हाफिज जी, इश्तियाक हाफिज जी, शाहिद हाफिज जी, हजरत बापू और दरगाह के इमाम साहब सब सामने आ जाइए। आपका स्वागत नरेंद्र नेता साहब आपका स्वागत करेंगे। जाओ बापू, ये हमारी समाज की शान है। अमदाद साहब ये हमारे सब समाज के धर्म गुरु हैं, ये हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं और हम लोगों को गाइड्स टाइम टाइम पे गाइड्स करते हैं। शुक्रिया अंदर साहब, सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए और
वालों, आप सभी को एक खास जरूरी ऐलान बताना हम लोग भूल गए थे, जो ये है कि हमारे आमदार साहब ने पहले हमारे दरगाह शरीफ के तामीर काम के लिए 11 लाख रुपया ऑलरेडी मंजूर करके रखा है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सॉरी, मेरे जरा बोलने में हम लोग हिचकिचाते हैं। मैंने पहले आमदार साहब को कहा था, हम लोग काम करने वाली कमेटी है, हम लोग भाषण हम लोग जरा आता नहीं है, ऑलरेडी दे चुके हैं अपने को पहले ही। मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हुई है, सॉरी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी हमारे अबरार हाफी जी, जो हम सबको बचपन से अरबी पढ़ाने से लेके तो आज तक का जो मुकाम हम लोगों ने तय किया है, जितने प्रोग्राम किए हैं, अजीमोशान प्रोग्राम किए हैं हमारी खोजा सुन्नत जमात की जानिब से, उनके हमारे सबके मास्टरमाइंड और हमारे उस्ताद अबरार हाफी जी दो शब्द कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हजराते गिरामी, ये जो आज आप रौनक देख रहे हैं, ये आप ही लोगों की देन है। नेताजी, मैं नेताजी नहीं कह रहा हूँ, नेताजी कह रहा हूँ, और जो उनके साथी हैं हमारे मुन्ना सिंह ठाकुर जी और भी जो लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, सब लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया तब हम इस मंजिल को पहुँचे हैं। हमारे मच्छी वालों ने, कोटा कूटा वाले जितने भी मच्छी वाले हैं, तमाम दुकानदार हैं, तमाम उत्तन के रहने वाले भाईंदा डोंगरी इलाके के, जिन जिन लोगों ने वाले पीर बाबा रहमतुल्ला अलैह के तामीरी सिलसिले में हिस्सा बताया है या उर्स के किसी मामले में हिस्सा बताया है, सबका कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, उनके लिए नेक दुआएं करती है। एक एक का नाम लेना ये बहुत बड़ी फेहरिस्त हो जाएगी। नाम किसी का नहीं है, हर आदमी ने हर तरह का जो जिस लायक है हिस्सा बताया है, वही आज यहाँ रोशनी दिख रही है। और नेताजी ने हमारे आपके ऊपर बहुत एहसान किया है, जो हर मोड़ पर हमारे आपके साथ खड़े रहे हैं इस पुरफतन दौर में। और ये कमेटी वालों की मैं क्या तारीफ करूँ, तो दिख रहा है कमेटी वालों ने रात दिन करके क्या किया है। ये जवान बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रातों रात महीनों यहीं गुजार दिया है, तो आगे के लिए आप इनका साथ दीजिए और नेताजी का साथ दीजिए, नेताजी का साथ लीजिए, और इसको और मंजिलें बढ़ाना है और पाए तकमील तक चढ़ाना है। सलाम अलैकुम। अभी हमारे लाडले और जिगरबाज हमारे एमएलए नरेंद्र भाईजान, आमदार साहब मैं माफी चाहता हूं, अभी हमारे आमदार साहब दो शब्द कहेंगे। जी बहुत बहुत मुबारकबाद। में सबसे पहले आज के इस उर्स के मौके पे सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज के इस अवसर पे यहां पे उपस्थित मेरे मित्र आसिफ जी शेख, नगर सेवक मुन्ना सिंह जी, मेरे मित्र अमजद भाई, मेरे मित्र अरशद भाई, शालू जी, हमारे अबरार हाफिज जी, साजिद भाई, सभी मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मान्य व्यक्ति और सभी कमेटी के हमारे युवा साथी बहन, जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी कमेटी के मेंबरान, आज बड़ा ही नेक दिन है और इतना सुंदर दरगाह का निर्माण ये मैं देख के आश्चर्य हो गया। 26 जनवरी को मैं भूमि पूजन के दिन आया था,
और सभी ने मिलके बड़े ही नेक दिली से इसकी शुरुआत की थी। और जब मैंने उस दिन आया तब मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा इतना भव्य बनने वाला है। तो वाकई में कमेटी मेंबर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वाकई में ये दिल से बनाया हुआ है। इतने जल्दी इतनी सुंदर दरगाह नहीं बन सकती थी और बहुत मेहनत की है। आपको और ताकत मिले, ऊपर वाला और जुनून दे, इससे भी अच्छे अच्छे आप अपने समाज के अपने धर्म के कार्य आप करते रहे। और इस दरगाह के अंदर मैं निमित्त बना। हम ऐसा मानते हैं कि शायद तुमने कभी कुछ नेकी की हो तभी आपको मनुष्य जीवन मिलता है। और किसी पवित्र स्थान का, वो दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का अगर निर्माण के अंदर आपका जरा भी उसके अंदर योगदान है तो आपने अगर कुछ नेकी की है अपने जीवन में तभी इसके अंदर आप निमित्त बन सकते हो। नहीं तो पैसे वाले बहुत हैं, मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन सभी को ये मौका नहीं मिलता है। वो उसी को मिलता है जो नसीब वाला है, जिन्होंने नेकी कभी की है, उनके हाथों कभी कोई नेक कार्य हुआ है, इसके लिए वो निमित्त बने। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इसके अंदर मैं किसी भी रूप में जितना कर सका उतना करने का मैंने प्रयास किया। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि जिस क्षेत्र की मैं राजनीति करता हूँ, जहाँ का मैं नेतृत्व करता हूँ, वहाँ पे जब ऐसे धार्मिक स्थल बनते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अभिमान की बात है, गर्व की बात है। यहाँ पे अनेक लोग जो आए हैं दुआ मांगने के लिए अलग अलग जगह से आए, केवल मीरा रोड के नहीं है। मुझे बताया कोई पनवेल से आया, कोई नई मुंबई से आया, कोई थाना से है, कोई विरार से है। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि हमारे शहर में इतना सुंदर दरगाह है कि लोग बाहर से भी दुआएं मांगने आते हैं। और मैं कमेटी मेंबर को यही कहूँगा, जहाँ आपको लगे हम आपके काम आ सकते हैं याद करिएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमारे लिए नसीब की बात होगी कि ऐसे कार्य में हम निमित्त बन सके। जब जब जो जो कहा है, ये तो कुछ लोग होते हैं जो आपसी मजहब के बीच बोते हैं, हम तो यही मानते हैं। और मैं जितना जानता हूं मैं तो मानता हूं कि ऊपर वाला एक है। किसी भी रूप में दुआ मांगी जाए या प्रार्थना की जाए पहुंचती तो ऊपर वाले तक ही है, क्योंकि लास्ट तो हम वहीं पे देखते हैं लास्ट में, तो कि ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए। वो मैं क्या आप क्या कोई मजहब फर्क नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की अलग अलग बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बना है तो ये मेरा नसीब है, ये सौभाग्य है कि मैं इस पे निमित्त बना। चाहे मंदिर बनता तो भी मैं ये कहता, मस्जिद बनती तो भी यही कहता, दरगाह बना तब भी मैं यही कहूँगा। और ऐसे कार्य में कहते हैं कि मैं जब भी चाहे दरगाह के सामने गुजरा हूँ या और कहीं से गुजरा हूँ तो हमेशा अपना शीश मैंने झुकाया है, माथा टिकाया है और कुछ ना कुछ दुआ में मांगा है। और यही वो एक कारण है कि इस शहर का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा देश बदल रहा है और शहर भी तेजी से बदल रहा है। सभी जाति धर्म को साथ में लेते हुए इस शहर का विकास हो, समाज का विकास हो, मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि मैं जब भी उत्तर आता हूँ यहाँ के लोग कहते हैं कि क्योंकि जो जन्मा है उसे एक दिन तो जाना है, लेकिन यहाँ पे दफन भूमि की बड़ी ही दिक्कत है, कब्रिस्तान की, वो जल्द से जल्द हो। और मुझे विश्वास है कि वो कार्य भी आने वाले समय में हम पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि इच्छा से अगर कुछ कहे। और आज बड़ा ही अच्छा दिन है तो मैं आज उर्स के दिन ही बाले पीर शाह बाबा से यही मांगता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि ऐसे कार्य आने वाले समय में कब्रिस्तान भी उसके अंदर मैं निमित्त बनूँ, ताकि एक अच्छी सुविधा इस शहर में हो सके। आज मैं जब इस रोड से आया तो मुझे वो रोड भी बहुत छोटा लगा, क्योंकि आज के दिन बहुत ट्रैफिक होती है, आप सबको दिक्कतें होती है। मेरा दिल कहता है कि जब मैं अगली बार उसके दिन आऊँगा तब शायद ये रोड बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि आप अधिकतर यहाँ पे उत्तन के रहने वाले कितने हाथ ऊपर करें, अधिकतर आप देखिए कि हमने जो पापटी चौक से जाता है वो रोड भी हमने चौड़ा किया। आप लोग अभी मीरा भाईंदर से आते होंगे तो देख रहे होंगे। आपको बता दूं
120 करोड़ रुपए, कितने 120 करोड़ रुपए सरकार से लाया ताकि उत्तम तक का रोड जो है सीमेंट रोड बन रहा है, चौड़ा रोड बन रहा है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, साफ सुथरा रोड मिले, खड्डे ना हो, इस तरह के कई सारे कार्य आने वाले समय के अंदर करना है। बस आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। मैं फिर कमेटी मेंबरान का, जिनका नाम नहीं ले चुका ले सकता हूँ, उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इनको मैं ये इतना ही नहीं, मैं जहाँ होता जब दिक्कतें आती है मंत्रालय तक पहुँच जाते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि एक दिन तो कमेटी वाले सभी मंत्रालय तक पहुँच गए थे कि हमारे समाज की ये दिक्कत है, उसके अंदर हमें ये मदद चाहिए। मैं अमजद भाई, मुन्ना भाई, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे समाज के साथ जोड़ा और ऐसे कार्य के अंदर मैं निमित्त बना। तो फिर एक बार आज की आपको उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ मैं मांगता हूँ कि आपका जीवन सुखदमय हो, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए, ऐसी मैं दुआ मांगता हूँ। तो फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा देखिए, ये कहते हैं कि काम तो सभी कर लेते, इन्होंने काम तो किया लेकिन साथ ही साथ एक अपना तामीर दरगाह का हिसाब किताब भी पूर्ण बनाया ताकि, और इनके बारे में ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपना जेब का डाल देंगे, बताएंगे भी नहीं, हिसाब मांगना तो दूर रहा, ये वो कमेटी वाले जो डालते रहते हिसाब भी नहीं मांगते लेकिन जो समाज से आया है उसका हिसाब पूरा पूरा आपको दे रहे। मैं इसके लिए भी इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही जीवन में अच्छे कार्य करते रहे। चलो रजिस्टर्ड संस्था भी हो गई, आपको ढेर सारी बधाई। इसी तरह से अमजद भाई, आप अपने कमेटी मेंबरान के साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो चैरिटेबल ट्रस्ट के वॉलंटियर्स है और सदर है, मेंबर है, सभी से गुजारिश है कि आप जो रास्ते में ट्रैफिक हुई उसको क्लियर कर लीजिए। हमारे जो प्रमुख पाहुने हैं श्रीमान नरेंद्र मेहता जी,